Sonali Mukherjee had the world at her feet. A top student and beauty, her life changed forever one night in 2003. 10 years ago, three men burst into her home and poured acid on her face as she slept. The reason? She had spurned their advances. एक रात हम लोग गर्मी का मौसम था ऐसे अप्रैल के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है कि पूरी एसिड की एक जग थी मेरे के पूरा छो कर के भाग गए बहुत जलन हो रही थी और बॉडी का चेहरा पूरा 70% गर्म हो गया मेरे फादर को भी छींटे लगे थे मेरी बहन को भी माइनर इंजुरीज थी और बहुत बुरा हाल था उस समय मेरा बहुत जलन हो रही थी रो रही थी चिल्ला रही थी Sonali was taken to hospital in Delhi, an excruciatingly painful two-day journey. In the 10 years since the attack, Sonali has courageously fought to regain a normal life. 2003 से 2011 तक मैंने 22 ऑपरेशन कराए सफदरजंग मेडिकल। तब उम्मीद लग रहा है कि शायद पूरी हरकाई तो नहीं हो पाएगी कि मुझे केबीसी में बुलाया जा रहा है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम जाते हैं मदद मांगना लेकिन कोशिश करती रही मैं अपने पिता का हाथ पकड़ के With her family support, she has struggled against the odds and is rebuilding her life. Her refusal to give up and her outspoken advocacy of women's rights has meant she is now an inspiration to other women in India. और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं खड़ी हुई हालांकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए खड़ा होना और निकलना चलना बाहर निकलना लोगों से बातें करना इंटरेक्ट करना अपनी प्रॉब्लम्स को समझाना दिल्ली के मीडिया नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने सपोर्ट किया कोई लड़की अगर ना निकल पाए उतनी पढ़ी लिखी ना हो फैमिली सपोर्ट ना करे तो क्या होगा तो रिहैबिलिटेशन का ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए And then, in a dramatic turn of events, Sonali was invited onto Who Wants to Be a Millionaire and won £30,000. सच कहिए तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जब मेरे पास फोन आया मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ था जब मैं गई फ्लाइट से कैलीगढ़ फ्लाइट चढ़े तो हालांकि जगह 25 लाख जीती तो ये बहुत ज्यादा रकम तो नहीं है लेकिन शायद मेरे लिए Unfortunately, although Sonali's attackers were tried and sentenced to 9 years in prison, they have since appealed and are still on bail. Shockingly, they have still only spent 4 months in jail for the attack. और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट से सुनवाई करेगी मुझे इंसाफ देगी हम लोग लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए तब से Not that Sonali is letting this stop her. She continues to fight to bring her attackers to justice and she has learned Braille and is a force to be reckoned with when campaigning for women's rights. सर के कफन गान के हम झारखंड में घूमते थे सच कहिए तो हमें खौफ नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि नथिंग टू लॉस एक एक कदम एक एक दिन एक एक रात